Welcome in this new video. Last video में हमने सीखा कि SD curve क्या होता है. इस video में क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि upper motor neuron और lower motor neuron में क्या difference है, और हमारा answer यही होता है, spasticity, flaccidity, Babinski positive, Babinski negative, DTR exaggerated, DTR diminished. तो ये सब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि these are not the real difference between the upper motor neuron and the lower motor neuron, but these are the differences between the lesion of these neurons, upper motor neuron lesion and the lower motor neuron lesion. So today I will try to explain the real difference between the location of the upper motor neuron and the lower motor neuron. Iska matlab ki kahan se upper motor neuron start ho rahe aur kahan pe lower motor neuron end ho rahe, yeah, we can say where upper motor neuron ends and lower motor neuron starts. So firstly I want to tell that there are two types of neurons, upper motor neuron and the lower motor neuron. Jo upper motor neuron hai, they exert their effect on the lower motor neuron, because these are, we can say upper motor means higher motor, higher means central nervous system, and lower motor neuron means peripheral nervous system. A peripheral nervous system mein we can also include cranial nerves, because cranial nerves emerges towards the periphery. Brain se cranial nerve nikal rahi hai aur spinal cord se peripheral nerve. So jahan pe cranial nerve ki emerge ho raha hai, ya cranial nerve jahan se ब्रेन से अराइज हो रहा है, वो पॉइंट लोअर मोटर न्यूरॉन. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा क्लोज आता. सपोज दिस इज द ब्रेन, दीज आर द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस एक ऐसी जगह है जहाँ से क्रेनियल नर्व एमर्ज करती है. सपोज दिस इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड. 12 टाइप की क्रेनियल नर्व से आपको सबको पता है. So these are the nucleus. अब हमें ये पता करना है कि इसमें अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ पे खत्म हो रहा है और लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ पे. ऑल द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंक्लूडिंग द, आई मीन जस्ट अबव द न्यूक्लियस, कम्स अंडर द अपर मोटर न्यूरॉन, एंड ऑल द न्यूरॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू आउट द होल क्रेनियल नर्व्स कम्स अंडर द लोअर मोटर न्यूरॉन. इसका मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ. जितने भी न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, जस्ट अबव द न्यूक्लियस, बीच न्यूक्लियस से पहले पहले, फर्स्ट क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस से पहले पहले, वो अपर मोटर न्यूरॉन है, एंड ऑल द न्यूरॉन्स न्यूक्लियस से लेकर थ्रू आउट द क्रेनियल नर्व वो लोअर मोटर न्यूरॉन. क्लियर? सो लेट्स मूव टू द स्पाइनल कॉर्ड. जब स्पाइनल कॉर्ड को आप ट्रांसवर्सली कट करेंगे, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज द एंटीरियर पार्ट, और इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर बोन सेल्स. जितने भी न्यूरॉन्स ब्रेन से लेकर स्पाइनल कोड तक नीचे ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं, ऑल द कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मोटर न्यूरॉन, नॉट सेंसरी न्यूरॉन्स. यहाँ से सेंसरी पार्ट निकलता है, यहाँ से मोटर पार्ट निकलता है, दे फॉर्म अ होल पेरिफेरल नर्व. लेकिन इसमें वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मोटर नर्व, सो वी विल कवर द एंटीरियर बोन सेल्स. ब्रेन से लेकर स्पाइनल कोड तक जितने भी न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली दीज आर द अपर मोटर न्यूरॉन्स. लेकिन वो अपर मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, एंटीरियर बोन सेल्स, जस्ट अबव द एंटीरियर बोन सेल्स. सो ऑल द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द स्पाइनल कोड जस्ट अबव द एंटीरियर बोन सेल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन, और एंटीरियर बोन से लेकर थ्रू आउट द पेरिफेरल नर्व कम्स अंडर द लोअर मोटर न्यूरॉन. ठीक है, एक बार और, जितने भी न्यूरॉन्स एंटीरियर बोन सेल्स से ऊपर ऊपर मोटर न्यूरॉन्स, वो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और जितने भी न्यूरॉन्स विद द एंटीरियर बोन सेल्स, एंटीरियर बोन सेल से लेकर थ्रू आउट द होल पेरिफेरल नर्व, दे विल कम अंडर द लोअर मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, सो क्रेनियल नर्व में न्यूक्लियस से पहले अपर मोटर न्यूरॉन, एंड न्यूक्लियस के साथ और उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन्स. स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर बोन सेल से पहले अपर मोटर न्यूरॉन, एंड एंटीरियर बोन सेल्स के साथ फॉर द होल पेरिफेरल नर्व लोअर मोटर न्यूरॉन. अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, कई लोग इसे अपर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, इसे लोअर मोटर न्यूरॉन, पूरा गलत. ठीक है, सो मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. जो आप डिफरेंस एग्जाम में लिख के आते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, वो किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे. बट फॉर टुडे द रियल डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन लोकेशन एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. मे गॉड ब्लेस यू विद दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.